Brought to you by ITIL Series. ये तस्वीरें हैं कानपुर के सचेंडी की, जहां किसी शख्स ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी और मूर्ति का सिर उठाकर एक कुएं में फेंक दिया। इस बात की जानकारी जब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को लगी तो वो मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। उनका दावा था कि पुलिस मूर्ति तोड़ने वालों को बचा रही है। क्या मामला है? बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ तोड़ा गया है, हम लोग को पता चला, हम लोग तुरंत आए हैं यहाँ पे। पुलिस ने किस तरीके की कार्रवाई की है जी? पुलिस ने किस तरीके से अभी कार्रवाई की, भगदड़ मच गई थी? पुलिस ने बहुत गंदे तरीके से कार्रवाई की। सही कार्रवाई की होती तो ये ना भगदड़ ना मचती बिल्कुल भी। एक सबके बीच में आके बाबा साहब को गलत जबान बोल जाता है और उसके बाद जब हम लोग पीछे हम उसको कुछ नहीं कहा ना, उसके ऊपर लाठीचार्ज किए, कुछ भी नहीं, और किनारे से उसको भगा दिया गया। हम लोग जैसे ही भागते हैं तो हमारी पब्लिक को सब मतलब पूरी टीम पर ये लाठी चार्ज करते हैं। क्यों किया इन्होंने? कौन लोग लाठी चार्ज करते हैं? पुलिस वालों ने। क्या नाम था? नाम थोड़ा ना पूछे हैं किसी। अरे वो पंडित को घेर रहे थे, अपना घेर के गाड़ी में भाग रहा था वो, तो चौकी प्रभारी है। हम लोगों ने पूछताछ किया, पूछना चाहा तो पुलिस वालों ने उसको मतलब उसको पूरा पूरा बढ़ावा दिया गया है और जब इधर की पब्लिक ने दौड़ाया उसको पकड़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया, सबको मारा लाठी से, बैठा लिया जाके बस। आरोपों की माने तो पुलिस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे लोग हंगामा करने लगे थे और हाईवे ब्लॉक करने लगे, इस वजह से पुलिस को कठोर कदम उठाना पड़ा। केस इंटर कॉलेज सचेंडी के पास एक बाबा साहब की प्रतिमा को अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, जिस पे तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अन्य कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि कुछ लोग मूर्ति तोड़कर माहौल खराब करना चाहते हैं। हम लोग इतने सक्षम हैं कि मूर्ति बनवा सकें और आगे कोशिश की जा रही है कि जहां मूर्ति स्थापित है वहां बाउंड्री वॉल बनाई जाए। क्या नाम भैया, कहां पर आए हैं, क्या घटना हुई है? मेरा नाम वीरेंद्र बहुजन है और मैं भीम आर्मी से मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं आज जानकारी हुई सुबह डॉक्टर साहब के माध्यम से कि सचेंडी के पास बाबा साहब की प्रतिमा काफ़ी समय पुरानी की लगी हुई है। वो रोज के तरीके जाते थे तो आज देखा कि प्रतिमा खंडित पड़ी थी। वो लौट के आया, देखा था कि प्रतिमा पूरी तरीके तोड़ दी, उसका सर नहीं मिला है। जहाँ तक अनुमान है कि बगल में ही कुआं है, उसी के अंदर प्रतिमा है और प्रशासन ने ये मदद की है। प्रशासन ने बोला कि मैं मुकदमा करने के लिए भी तैयार हूँ और प्रतिमा भेजी है लेने के लिए। हमारी लोगों की मांग ये है और यहाँ के जो समाज के लोग उनकी मांग ये है कि इस ज़मीन की पैमाइश करा करके जो भी बाबा साहब के उसमें अंबेडकर पार्क में आती है करवा करके इसका बाउंड्री करवा दें और सुंदरीकरण हो जाए तो वही सही रहेगा। देखिए ऐसा है ना कि लोग विचारधारा से परेशान हैं तो इसीलिए वो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ रहे हैं और हो सकता है कि बहुत लोग इस समय चुनाव भी नज़दीक है वो माहौल ख़राब करना भी चाह रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप बोल रहे हैं वो सही भी हो सकता है, पर हम इस तरीके घटनाएं ज़्यादातर अभी इस समय कानपुर नगर में हो रही हैं तो मैं अपने समाज से आगाह यही करना चाहता हूं कि जहां पर भी बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं हम लोग इतना कमाने लगे हैं कि उसका सुंदरीकरण करें, एक कैमरा लगाने की कोशिश हम भी लोग करें। प्रशासन की तरफ से क्या सोचा है? प्रशासन ने ये बोला कि हम प्रतिमा मंगवा रहे हैं, लोग गए भी हैं, पर अब हमारा मतलब राजस्व से ये काम है कि आप इस ज़मीन की पैमाइश करा करके, बाकी हम लोग तो इतने सक्षम हैं, सरकार करेगी तो करेगी, नहीं तो इस बाउंड्री हम लोग खुद मिल के करवा लेंगे। किसी तरफ से आप लोगों की तरफ से कोई तहरीर दी गई? अभी तहरीर दे दी गई है और मुकदमा उसमें होगा, देखते हैं कौन लोग हैं वो सामने, वो तो पुलिस का काम है, पता चलता है तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, हमारा यही मांग रही है। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।